नमस्कार, मैं नमिता दीक्षित और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावर भुट्टो 4 और 5 मई को भारत दौरे पर आए। यहां उन्होंने गोवा के संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिति में हिस्सा लिया। जब वे वापस कराची लौटे तो उन्होंने कहा कि हमारी हिंदुस्तान की यात्रा सफल रही। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान में बीजेपी और RSS को मुस्लिम आतंकवादी मानते हैं। आपको बता दें, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोले, हिंदुस्तान के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना है, वे पाकिस्तानियों को अलग घोषित कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने उन्हें मनाने की कोशिश भी की कि हमने हर मुसलमान को आतंकवादी मानने और RSS बीजेपी की विचारधारा को नकार दिया है। इसके साथ ही हमने उन्हें ये बताने की कोशिश की, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक कश्मीर में अगस्त 2019 जैसी स्थिति बहाल नहीं हो जाती। दरअसल इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को गोवा में SCO की समिति में हिस्सा लेने के बाद कहा था कि हमने आतंकवादी के दंश को झेला है, आतंक को पोषित करने वाले पाकिस्तान खुद पाखंड कर रहे हैं। एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक की फैक्ट्री का सबसे बड़ा प्रमोटर है।